हेलो दोस्तों, आज आपका परिचय कराते हैं मोहित के साथ में। मोहित एक एथलीट है। मोहित शॉर्ट पुट में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। मोहित, ये शॉर्ट पुट क्या होता है? शॉर्ट पुट एक लोहे का गोला होता है, 7.260 उसका वेट होता है। उसको रोटेशनल टेक्निक से घूमकर थ्रो करना होता है, उसे शॉर्ट पुट कहते हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड आई थिंक 23 मीटर, 23 मीटर। और आप अभी कहाँ तक पहुंचे? मैं नेशनल में ऑल इंडिया फोर्थ पोजीशन है सीनियर में, और जूनियर में ब्रॉन्ज मेडल है नेशनल में। स्टेट में कंटिन्यू 3 इयर्स में गोल्ड थे मेरे। तो हमारे देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं, और आज हमें मौका मिला है मोहित से बात करने का। तो मोहित, मुझे बताएंगे क्या प्रॉब्लम फील कर रहे हैं? मेरे शोल्डर में खिंचाव आ गया है, थ्रो में बैरियर लग गया, वो इंजरी बता रहे हैं उसको। तो मैं हरीश भैया के पास आया, हरीश भैया ने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट शुरू किया है। तो मैं बीच में सॉरी बात काट रहा हूँ, मैं कहना चाहूंगा कि जो शॉर्ट पुट है, जिसके अंदर में जो एनर्जी है वो लोअर लिम से उठकर के ऊपर आती है, हमारे लेग्स उसके लिए बहुत ज़्यादा मजबूत रहने चाहिए ना। और अगर किसी के पैर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो हमारे हाथ को या शोल्डर को ओवर यूज होना पड़ेगा, जिसकी वजह से इंजरी हो जाती है। कई बार मसल पुल भी इस फील्ड में देखने को मिलता है, और जो कि आप कह रहे हैं 7 किलो तक की बॉल रहती है ना, तो 7 किलो की बॉल को इतनी दूर, मेरे से तो भाई साहब 2 मीटर नहीं फेंकी जाए, 18 मीटर किसे कहते हैं, क्या बात है। चलिए अपन शुरू करते हैं ट्रीटमेंट। मोहित जो है हमारे जोधपुर के ही हैं, और मैं करीब 4-5 साल से मोहित को जानता हूं, और जब भी इंजरी होती है तो मुझे मौका मिलता है इनको ठीक करने का। और हम लोग कई सारी टेक्निक्स, कायरोप्रैक्टिक, फिजियोथेरेपी, टेपिंग, एक्यूपंचर, ड्राई नीडलिंग सभी कुछ यूज करते हैं, और 1 या 2 सिटिंग में इन्हें आराम मिल जाता है। देखते हैं आज का क्या सीन रहता है। तो इस तरीके का शरीर आपको सिर्फ महाभारत में देखने को मिला होगा, भीम का। कभी लड़ाई हुई है किसी से आपकी? उसके बाद उसका क्या हुआ? मजबूती से हाँ, मोहित भाटी, बहुत टाइम से मैं इंजरी में था, शोल्डर में खिंचाव सा लग रहा था, तो हरीश भैया के पास आया। तो यहाँ आते ही ट्रीटमेंट चालू हुआ, फिर 2 दिन के अंदर मेरे को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल गया, बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया। अच्छे से अब प्रैक्टिस कर सकता हूँ, बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है यहाँ का। आप कह रहे थे कि कुछ स्पोर्ट्समैन के लिए आइस बाथ होना चाहिए, होने की वजह क्या है? होने की वजह ये एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस, एथलीट को जब गेम चालू करता है उसको पता नहीं रहता है कि अच्छी परफॉर्मेंस के लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स होने जरूरी है। इक्विपमेंट्स होने के बाद में भी, उसके बाद में फिर मसल रिलैक्स को सारे वीक वर्कआउट करने के बाद में, जैसे आइस बात हो गई जिससे मसल रिलैक्स होते हैं, मसाज वगैरह जरूरी है। हाँ, मसाज भी एथलीट को बहुत ज्यादा जरूरी है, मसल टाइट हो जाते हैं पूरे वीक वर्कआउट करते करते, तो उससे मसल को रिलैक्स, उसके बाद में अगले दिन के लिए प्रिपेयर कर, अगले वीक के लिए प्रिपेयर होना, एक अच्छी परफॉर्मेंस आती है उससे। अगर आप प्रॉपर एक फिजियो के संपर्क में रहते हैं तो इंजरीज भी कम होती है। बेस्ट, सबसे बेस्ट। तो मेरी इंजरी, कुछ भी छोटी से छोटी इंजरी होती है तो मैं हरीश भैया के पास आता हूँ, ये 2 दिन के अंदर अंदर मेरा
परफेक्ट ट्रीटमेंट कर देते हैं। और ये जो कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट है जिसमें आपके कटके वटके बुलाए शरीर, हाँ ये सबसे बेस्ट, रिलैक्स फील होता है, रिलैक्स फील होता है। तो सभी एथलीट्स को लेना चाहिए? बिल्कुल, एथलीट्स को अच्छे फिजियो के पास, जैसे हरीश भी आए तो बेस्ट ट्रीटमेंट है, दो दिन से ज्यादा तो कुछ इंजरी को टिकने ही नहीं देते, निकाल देते हो। आप भी ठीक करके देता हूँ, टेंट से निकाल। तो ये थे मोहित, जिनसे आप मिले, एक प्रोफेशनल शॉर्ट पुट थ्रोअर, हमारे नेशनल प्लेयर, और मिलते रहेंगे आपसे। और बिल्कुल, अभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके अगले मैच के लिए। थैंक यू सो मच।